सो हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारे दा। एक बार फिर तो स्वागत है मेरे एक नवे ब्लॉग। सो गाइज, डेट है आज 12 मार्च 2022। टाइम हो रहा है सुबह के 6:30। तो गाइज, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि आज वीकेंड है, तो हमारा घूमने फिरने का प्लान पक्का बनना ही बनना था। तो आज हम जा रहे हैं अटल टनल और सिसु, देखते हैं कैसा माहौल रहेगा। ब्लॉग्स वगैरह देखे हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं देखे हैं कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं, पता नहीं। बस इतना पता है कि एक सिसु लेक है, सिसु वाटरफॉल है और ऐसा कुछ है। और अभी हमको डिसाइड करना है कि हम गाड़ी से जाएंगे या बाइक से जाएंगे। तो फिलहाल तो फटाफट तैयार हो रहे हैं और मैं डाटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ सुबह सुबह, क्योंकि अपना फ़ोन और लैपटॉप दोनों खाली करना है ताकि और ब्लॉग शूट कर पाएँ। और ऐसा कुछ व्यू है सुबह का, 6:30 का टाइम है, देखो कितना मस्त लग रहा है। पहली बार आधा डाटा तो मेरा लॉस्ट भी हो गया इसी चक्कर में, इधर उधर ट्रांसफ़र करने के चक्कर में, बट ठीक है, कोई नहीं, मैंने एडजस्ट कर लिया। 2-4 वीडियो ही लॉस्ट हुई थी। तो अब बस फटाफट तैयार होंगे और 7:30 बजे यहाँ से निकलेंगे, पैदल वॉक करेंगे मॉल रोड तक, 8 बजे मॉल रोड, फिर मॉल रोड से डिसाइड करेंगे कि हम 4x4 जीप लेके जा रहे हैं या गाड़ी लेके जा रहे हैं या बाइक हायर करके जा रहे हैं। वो सब ऑन द स्पॉट ही डिसाइड करेंगे, अभी कुछ भी फिक्स नहीं है। साथ ही साथ आपको बताते रहेंगे। तो गाइस, टाइम और 8 बजे और तैयार हो चुके हैं, अब जा रहे हैं मॉल रोड। मॉल रोड में जाके डिसाइड करेंगे कि हमको बाइक लेनी है, गाड़ी लेनी है या 4x4 जीप रेंट करनी है। आ जाओ यहाँ से। तो गाइस, हमने ये गाड़ी रेंट करी है अर्टिका, इसका प्राइस हमको पड़ा 2500। 4 जनों में ये डिवाइड हो जाएगा और ये गाड़ी वैसे तो 7 सीटर है, हम आराम से बैठ के जाना चाहते हैं, इसलिए हमने रेंट करी है। और टाइम हो रहा है अभी 8:30 बजे। थोड़ी बहुत तो खुली रहनी चाहिए, अभी थोड़ी सफोकेशन है ना गाड़ी में। चलो तो जी, अब हम निकल चुके हैं वशिष्ठ से। पहली बार है हमारा मुझे, शुरू में 1-2 घंटे लगता है कि यार थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे, बट कुछ होता नहीं, वो बस बचपन तक हाल ऐसा था, घूमने सारे आते थे लेकिन मैं ड्राइवर के साथ ही सो रहा होता था, इतना बीमार हो जाता था। यही हमारा भी ऐसे होता था। मैं जब पहली बार आया था ना यहाँ मणिकरण साइड था, मैं कहता हूँ पूरे रास्ते में उल्टियाँ करके आया था पूरे रास्ते। तब मेरी उम्र थी कोई 10-14 साल, तो और मैं पूरे रास्ते में कह रहा था, मैं अपने घर वालों को कहा भी था मेरे को मत लेके जाओ, मैं पूरे रास्ते ये बोलता गया, मैंने कहा था ना मेरे को मत लेके जाओ, उल्टी आएगी आती थी, लेकिन बहुत दिक्कत थी, बंदूक मिल गई। लेकिन अब सही है यार, अब तो अपने हॉस्टल के साथ वाली, पर हमने सोचा नहीं आगे वाली उतरेंगे, हमारे हॉस्टल के साथ नीचे उतरती है ना मेन सड़क पे आने के लिए, तो लेकिन हमने डिसाइड किया कि हम वो देख लेते हैं यहाँ पे जाके कि आगे टैक्सी स्टैंड है वहीं पे कोई खड़ा मिल जाए, तो इसलिए वहाँ पे चले गए। 2-3 सीढ़ियाँ उतरे फिर वापस आ गए, जूते रेंट कर लिए अपने, क्योंकि स्नो में जा रहे हैं तो स्नो शूज में लेट रही है। और ये अपने आज के अंकल जी, आपका नाम क्या अंकल जी? कर्मा जी के साथ जा रहे हैं हम। कर्मा में विश्वास करता हूं। और कर्मा जी के साथ ही जा रहे हैं। कर्म अच्छे होने चाहिए। बस चलो अंकल जी चलिए। से आगे जाके आती है सामने सुलांग,
वैली वाला ग्राउंड जहाँ पे सारी एक्टिविटीज वगैरह होती हैं। यहाँ पे याद होगा आपको जब लास्ट व्लॉग में आए थे तो बहुत कम होगी, जब हम आए थे ना पूरा फुल पैक था। ये है सर है, तो यहाँ से अब पूरा जाम लगा हुआ है, अब तक आगे कुछ हुआ है तो इस वजह से यहीं पे खड़े हैं सोलांग वैली। तो आधे घंटे के जाम के बाद खुला है ये, अब ऊपर जाएंगे देखते हैं ऊपर कितना टाइम लगता है पहुंचने में। जो रिस्की क्यों होता है ये वाला, ये जमा रहता ज़्यादा देर ऊपर से लिया स्लाइड का ज़्यादा खतरा है, बोलो स्लो दोनों बसें कितनी ये ऊपर से आ गई है सारी। टनल का काम सारा यहाँ, ये फाइनली एंटर कर रहे हैं हम साउथ पोर्टल अटल टनल रोहतांग। 9 से 10 किलोमीटर लंबी ये टनल है और ये अपने आप में एक अजूबा है। देखो 40 की स्पीड लिमिट है इसके अंदर। फाइनली आ रहे हैं बाहर टनल से, टनल क्रॉस हो चुकी है और टनल के उस पार लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। पहले इस सफर को करने के लिए अप्रोक्सीमेट पूरा दिन लग जाता था, लेकिन अब ये सफर हमने सिर्फ 20 मिनट में तय कर लिया। और सामने नज़ारे देखो, क्या नज़ारे हैं, पूरा वाइट ही वाइट है, अब आंखों में पड़ रही है पूरी वाइटनेस, क्या नज़ारे हैं। वेलकम टू चंद्रा ब्रिज। दरिया का नाम है चंद्रा, अच्छा ये चंद्रा दरिया का नाम है इसीलिए इसको चंद्रा ब्रिज बोल रहे हैं। ऊपर ले है 396 कारगिल श्रीनगर रोहतांग, श्रीनगर जाने का रास्ता है। हाँ ले से ले लद्दाख श्रीनगर सारा। सर जी केलोंग 37, उदयपुर 75, ले 396, शिंकुला पदम।
टाइम हो रहा है 10:30 बजे और फाइनली पहुंच चुके हैं हम सिसु में। देख सकते हो ये पूरा स्टैंड है जहाँ पे आप मैक्सिमम आ सकते हो और ऐसा कुछ स्नो कवर्ड है। तो जो रास्ता था यार वो बहुत ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। जो राइड थी ना वो आप धीरे धीरे आओ, बाइक पे तो नहीं कर सकते थे बाइक वाला प्लान तो, क्योंकि एक भी बाइक अलाउड नहीं है क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी बर्फ़ पिघल रही है सारी तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो ऐसा कुछ देख सकते हो, लेकिन व्यू है यहाँ पे पूरा स्नो कवर्ड, पार्किंग है। अब यहाँ पे थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाएंगे, थोड़ा बर्फ़ से खेलेंगे और फिर देखते हैं कितनी देर में यहाँ से वापसी करते हैं। लेकिन जो व्यू यहाँ से दिख रहा है ना वो बहुत ज़्यादा मस्त है। तो ये रहा ऐसा कुछ नज़ारे, नीचे कहाँ से उतरना है पता नहीं, स्लाइड ही होना पड़ेगा। और वो सामने नदी है, तो स्लाइड कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, हो गया ये स्लाइड तो कर सकते हैं भाई, बहुत ठोस है। क्या है, बहुत सॉलिड बर्फ है ना, स्लाइड में इतना नहीं रहता, नॉर्मल बर्फ रहती जो ना भूपुरी उसमें दर्द नहीं होता, चोट नहीं लगती, स्लाइड कर सकते, इसमें स्लाइड करने में फट जाएंगे तो बिल्कुल भी वो नहीं है ना, दर्द नहीं रहा है। तो अभी अभी बहुत मुश्किल जो ट्रैक है, मतलब जो उतरे पॉइंट वहाँ से नीचे पार्किंग के आगे, और बुरी बड़ी बहुत ज़्यादा सॉलिड बर्फ है यहाँ पे, अलग ही लेवल के मज़े। और ये है चंद्रा रिवर जो वहाँ से देखी थी, पूरी बह रही है ये, वहाँ पे नीचे भी लोग हैं तो मतलब नीचे भी जा सकते हैं हम रिवर के पास। तो यहाँ देख पा रहे हो यार हर तरफ स्नो ही स्नो है, और बिना इस चश्मे के यहाँ पे देखना ना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा वाइटनेस है और उसके ऊपर जो धूप पड़ रही है ना वो इतनी ज़्यादा लाइटनिंग क्रिएट कर रही है कि देखना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है बिना चश्मे के। तो यहाँ आ रहे हैं तो ये चश्मा ज़रूर लेके आए, और अभी हम नीचे जा रहे हैं उस लेक के पास, ऊपर थे पहले, अभी थोड़ा सा चल चल के जा रहे हैं। और जराबों के कम से कम 2 या 3 लेयर पहन के आए, क्योंकि बर्फ़ के ऊपर चल रहे हो तो इतनी ठंडी है ना, तो 2 से 3 लेयर जराबे होने चाहिए, जूते होने चाहिए स्नो वाले चलने के लिए, नॉर्मल शूज़ में तो चल ही नहीं पाओगे, फिसलते रहोगे। तो हमको 100 रुपये रेंट पड़ा है जो ये जूते हैं हमारे, और उसके बाद जो जराबे लिए हैं वो हमने लिए 100 रुपये की एक जोड़ी। तो मैंने 2 जोड़ी जराबे खरीदी है पशम की, जो गर्म गर्म जराबे होती हैं। और अभी आपको बिल्कुल नदी के पास जाके व्यू दिखाता हूँ, इतना ज़बरदस्त व्यू होगा। पहुंच चुका हूँ लेक के बिल्कुल पास, बोरी पीछे पानी पानी बहने की आवाज़ आ रही होगी, ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी है, मतलब सो सकते हो यार बर्फ़ के बीच में पानी है तो ठंड का लेवल तो अलग ही होगा। बैक कैमरा से व्यू, सेलिब्रेशन हो रही है। अरे भाई कूद के फोटो खिंचवाने की कोशिश करते हुए तू भी करा लो यार एक जंप वाली, स्लाइड कर सकते स्लाइडिंग भाई, मैं मारूंगा जंप ठीक है। देखो पहले एक जैकेट में खींच दो, देखो मेरे को ना एक इधर फेस स्ट्रेट और एक इधर फेस, देख रहे हो भाई डिमांड देख रहे हो ब्लॉगर साहब की, जैकेट उतारूंगा उसके बाद दोबारा करेंगे ठीक है। भाई को पूरा लगा रखा काम पे, भाई को हायर किया है, दो फोटो लेनी है शूट आउट के लिए, छोड़ के लग जाओ काम थोड़ा साइड हो जाओ मंटी जी ने, चलो पोज बता देना सही है भाई साहब। ये क्या क्या करवा रहे हैं बंदे यहाँ पे फोटो खिंचवाने के लिए, देख लो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। अभी क्या करना आपने? हाँ जी भैया बताओ क्या करना है इसको, ऐसे बर्फ उठानी है
और वहीं पे फेंक के आ गए होगे भाई साहब, पूरी इंस्ट्रक्शंस देते हुए भाई साहब फोटो खींचने वाले। भाई मेहनत पूरी कर रहा है भाई हमारा फोटो खिंचवाने के लिए और खींचने के लिए। क्या बात है, मजा आ गया। अभी आपने क्या करना है? हाँ, जैसे मैं 1 2 3 कहूंगा, 1 2 3 में हल्का सा ऊपर भेजना और अपने ऊपर बर्फ मारनी है, फोड़ना इसको बड़े वाले को। ब्रिकिंग आ रही होनी चाहिए इसकी। ठीक है, हाँ जी, चलो जी, हो गया। 1 2 1 2 3 जोर से मारो भाई। अरे भाई क्या तुम यार जान माननी है क्या यार? गाइस आप भी देखोगे फोटो, इसमें मोटी होगी ना थोड़ी, मोटी होगी थोड़ी। कोई नहीं, चलो ठीक है, ये वाला रहने दो। आप जंप वाला ट्राई करें, जंप वाला तो नॉर्मल है भाई, नॉर्मल है। उसमें क्या आपने करना, जैसे मैं 1 2 3 कहूंगा, 1 2 3 में जंप, आपके लेग्स जो हिप में लगने चाहिए और फोटो इधर आ जाएगा, चिपक जाएगा। चलो पैर दिखने चाहिए भाई। भाई अब तुम्हें जंप दिखाएंगे तुम्हारे ब्लॉगर साहब की। ऑन द काउंट ऑफ 3, हियर वी गो, 1 2 3 जो। क्या बात है, 1 2 3 हो चुका है गाइस। आप तो यहाँ पे फोटो सेशन हो रहा है, आपने देखा अभी हमारे भाई अच्छी खासी मेहनत करवा रहे हैं सबसे फोटो खींचने में, लेकिन मज़ा पूरा आ रहा है यार, तो फुल एंजॉय। और बस यहाँ पे अभी हार्डली हमारा आधा घंटा और लगेगा, देखते हैं कुछ खाने पीने को मिलेगा तो यहीं पे मैगी वगैरह खाएंगे बर्फ में बैठ के, और फिर वापस देखते हैं कहाँ जाना है। दिन तो यार बहुत, अभी कुछ भी नहीं हुआ टाइम हमको सिर्फ, तो ये ज़्यादा लंबा नहीं है, कुछ ज़्यादा जल्दी हो गया अपना। ओके ठीक है जी, चलो आप साइड में बैठा दीजिए, जल्दी डालो भाई, भाई नीचे से डाल ले। मैंने कैसे का ये वीडियो बनाऊंगा। गाइस टाइम हो रहा है 12 बजे और हम एक्सप्लोर कर चुके हैं पूरा, फोटोज वोटो खिंचा लिया, आपने देख ही लिया। तो यहाँ पे आप स्लाइड कर सकते हैं, फोटोज खिंचा सकते हैं, हल्का फुल्का बर्फ में खेल सकते हैं, लेकिन बर्फ भी ज़्यादा खेलने लायक नहीं, क्योंकि सारी बर्फ ना बहुत ज़्यादा हार्ड है, सॉफ्ट बर्फ नहीं है। जो खेलने वाली बर्फ होती है वो स्नोफॉल के टाइम पे ही होती है, क्योंकि वो सॉफ्ट सॉफ्ट होती है, फ्रेश स्नो। ये तो एकदम हार्ड पत्थर जैसी है, तो इससे ज़्यादा खेल भी नहीं सकते। तो हमारा तो हो गया एक्सप्लोर पूरा, बस जाके लंच करते कहीं पे और जाते फिर वापस अपने घर। घर तो क्या मतलब, हॉस्टल जाते हैं, लेकिन मज़ा तो आ गया। वीडियो में शायद इतना अच्छा ना लग रही हो आपको जगह, लेकिन आना वर्थ है यार, पैसे थोड़े ज़्यादा लगे लेकिन आना वर्थ है। जो नज़ारे हमको आंखों से दिखे हैं, जो गाड़ी पे राइड हमने की है, उसी के पैसे हैं बस। और केसर, केसर नकली वाले, हाँ। और यहाँ पे आओ तो केसर थोड़ा ध्यान से लेना, नकली केसर बिकता है यहाँ पे 40-50। पहले इन्होंने 150 रुपये में एक डब्बी ली है और अब 300 रुपये में 6 डब्बी ले लिए, तो यहाँ पे इस लेवल का भी होता है। तो यहाँ पे आकर केसर लो तो 50 रुपये डब्बी से महंगी मत लेना, यहाँ से ले जाओ और गिफ्ट कर दो अपने रिश्तेदारों को 250 रुपये ग्राम बोल के, 500 रुपये की एक डब्बी गिफ्ट कर देना, वो भी खुश आप भी खुश। और यहाँ पे फोटोग्राफर काफी मेहनत करते हैं यार, 30 रुपये पर फोटो लेते हैं, 30 रुपये पर फोटो। हमने 30 फोटो खिंचवाई है, 30 रुपये की एक फोटो, तो आप ये भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये दोबारा पार्किंग में आ गए हैं। तो अब थोड़ी सी पार्किंग में गाड़ी गुम हो गई है, गाड़ी मिल नहीं रही है। तो ये अपनी गाड़ी आ चुकी है, हमको तो मिली नहीं थी, लेकिन हमारी तो गाड़ी खो गई थी, भूल गए हम।